देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में फिर एक बार मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बच्चों के साथ बर्बरता कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आ रहा है, लेकिन अब दरिंदों ने हद ही पार कर दी। छोटे मासूम लड़कों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूक रहे। पश्चिमी जिला पुलिस थाना मोतीनगर के क्षेत्र जखीरा में अभी पिछले 6 महीने पहले एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का मामला लोग भूल भी नहीं पाए थे कि सोमवार की सुबह लगभग 3:30 बजे जखीरा के चारा मंडी में रहने वाले एक परिवार का 6 वर्षीय लड़का जब अपने घर से बाहर बाथरूम करने के लिए निकला तो उसको कोई दरिंदा उठा ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया और उसे गंभीर हालत में छोड़कर भाग गया। जब घर वालों को बच्चे ने बताया कि वह खून से लथपथ था और उसके बाद उसको डॉक्टर जांच के लिए लेकर अस्पताल पहुंच के और बता दें आपको मासूम लड़के के साथ यौन शोषण होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की है और डॉक्टरों ने खबर बनाए जाने तक ये वह 6 वर्षीय मासूम लड़का अस्पताल में दाखिल था, लेकिन वहां पर मौजूद मोहल्ला पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों का कहना ये है कि यहाँ पर लगातार घटनाएं घटती रहती हैं लेकिन बच्चों की सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं कोई भी कार्रवाई नहीं करते, जितने भी यहाँ 2 नंबर के धंधे होते हैं सिर्फ उनसे पैसा उगाहने का काम किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या पुलिस उन कैमरों की जांच करवाकर उस दरिंदे को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेगी या मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं मोतीनगर विधानसभा के क्षेत्र जखीरा के अंदर, जहां पर कल सुबह यहां पे एक घटना घटी कि एक लड़का 6 साल का लड़का जो अपने घर से बाथरूम करने के लिए बाहर निकला और उसके साथ कोई उसको साथ लेके गया और उसके साथ एक अपाकृतिक घटना घटी और उससे के जो बाद में उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, अभी वो हॉस्पिटल के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो उन सबके जो पड़ोसी हैं ये जो यहाँ रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ बराबर तरीके से घटनाएं घटती रहती हैं लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। आप बताएं क्या घटना घटी। जी, लड़के बाथरूम करने आया था घर से बाहर, उतनी देर में ही उसको इशारे से बुलाया गया और फिर उसे ले जाया गया, वहाँ से ले जाकर कैमरा उस साइड घुमा हुआ, उधर से ले जाकर घुमाकर उसके साथ वारदात की गई, वापसी उसको घुमाकर छोड़ा गया, वो लड़का रोते रोते ऐसे घर गया अपने। जो पुलिस है आपको क्या लगता है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई देख नहीं रहे, क्यों जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा जब तक कार्रवाई कैसे आएगी? मुजरिम पकड़ा जाएगा तो पता लगेगा ना ये मुजरिम है, अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो पुलिस वालों को पता है। पुलिस जो है वो कह क्या रही है, क्या कह रही पुलिस? पता नहीं जी, वो आज तो कार्रवाई करी है उन्होंने, कल आए थे तो कल अस्पताल में भी उनकी सुनवाई नहीं करी। राम मनोहर लोहिया गए, यहाँ गए आचार्य बिच्छू, शाम तक आचार्य बिच्छू रहे, फिर यहाँ से राम मनोहर लोहिया रेफर कर दिया, वहाँ से 1:30 बजे भेज दिया, कुछ नहीं उसकी सुनवाई करी। फिर आज हम मोहल्ला इकट्ठा हुआ तब जाके हमने ऑब्जेक्शन उठाया, तब फिर पुलिस आई, फिर आज ले गई है। घटना कल घटी लेकिन पुलिस आ जाइए। 3:30 बजे घटना हुई है, कल सुबह 3:30 बजे रात को। तो अभी जो बच्चा है उसकी क्या कंडीशन है? अभी सुबह तो कंडीशन सीरियस थी, अभी सीरियस है इस टाइम, वो रामलोर यहाँ बढ़ती है तो इसलिए हम हाँ बताओ आ जाओ आप। लच्छू का वीडियो बनाओ, जितना पुलिस आते हैं लच्छू मिल जाते हैं। एक कोनो काम हमारा झुग्गी में कोनो बलात्कार हो, कुछ हो ही नहीं, हम गर्दन दाब के मार जाएंगे और दाब के पैसा ले लेंगे। लच्छू कौन है? लच्छू चिगुल महलवा पुलिस का मुखबर है, मुखबर पुलिस के साथ रहता है, सब मिला के सबसे महीना लेता है, पुलिस के साथ रहता है पर कोई काम नहीं होता यहाँ पे, पुलिस का तो कोई काम ही नहीं होता। यही कहीं चोर जाएगी आड़े जाके बतिया के पैसा ले लेंगे। देखिए, जो यहाँ के निवासी हैं उनका एक आरोप है कि यहाँ पे जो भी पुलिस वाले आते हैं वो कोई लच्छू नाम का व्यक्ति है उससे ही मिलके सारी बात करके चले जाते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करते हैं। अच्छा, अब जब वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं तो उसके बाद यहाँ जैसे कैमरे वगैरह लग रहे होंगे तो उन्होंने बताया कैमरे के बारे में कुछ? नहीं, नहीं बताया, कह रहे कैमरे खराब है, ये जवाब दिया है, क्या कैमरे बंद है, कैमरे लगा भी दिए बंद हो गया, क्या मतलब हुआ? जब होती है ना तो यहाँ के ऑटोमेटिक कैमरे खराब हो जाते हैं, जब बलात्कार की बात होती है ना ये कैमरे खराब हो जाते हैं, और जैसे चोरी चिकारी होती है ना जब पुलिस वालों पर ऊपर से वजन पड़ता है जब ये कैमरे चालू हो जाते हैं, जब इनका चोर पकड़ा जाता है अब वैसे खराब कैमरे हो जाएंगे या किसी बच्चे के संग बलात्कार होगा या कुछ होगा
उस टाइम पे यहाँ के कैमरे खराब हो जाएंगे सर। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, जो लोग बता रहे हैं कि पुलिस की भी लापरवाही है, क्योंकि अभी जो घटना घट गई है उसको 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई के नाम पे जैसे बताया जाएगा, यहाँ पर भी कैमरा लग रहा, आप दिखा सकते सामने, ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है और जहाँ ये घटना घटी, जहाँ वो बता रहे हैं वहाँ गली में भी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि ये जो कैमरे हैं ख़राब हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना यही है कि यहाँ पर जब भी कोई घटना घटती है तो कैमरे ख़राब ही बताए जाते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि हमेशा कैमरे जब ख़राब होते हैं घटना के बाद ही क्यों होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं होते। अम्मा बात बताओ आप कि जब भी कोई बात होती है तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते हैं? कुछ नहीं करते हैं कार्रवाई। अभी एक डेढ़ महीना पहले मेरा चोरी हुई थी, है ना, हमने रिपोर्ट करी थी ऑनलाइन, सारी पुलिस आई थी कई जगह की, वो बोल गए शाम तक आपका माल मिल जाएगा। अभी एक डेढ़ महीना हो गए, एक खाली सिलेंडर दे के दूर हट गए। अब कहते हैं हम क्या करें, चोर हाथ ही नहीं आ रहा हमारा। तुम बताओ, हम बताओ, हम किसको बताएं? हमसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ किसी को, हम किसको बताएं? जब हमने देखा ही नहीं, हम किसको जब तुमने सिलेंडर पकड़ा चोर के पास तो उसी के पास निकलेगा सारा लच्छू, खा गया सारा माल मेरा, लच्छू की सारी कार्रवाई है, सारा ही लच्छू करता है सारा काम। तो बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, लेकिन घटना घटने के बाद कार्रवाई नहीं होती है, और जो भी घटना घटती है उसको कार्रवाई होने में या तो टाइम लगता है या कार्रवाई ही नहीं हो पाती है। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार घटना होती है, उस तरीके से जो पुलिस है उसका बिल्कुल भी जो रवैया है वो ठीक नहीं है। अगर सर हम जाते हैं ना कि सर ये बात हो गई है, तो वो ये कहते हैं भाई कल आना परसों आना, फिर इसी तरीके से बातों को घुमा देते रहते हैं, फिर हमारे पे जोर देके हमें ही बंद कर चुप कर दिया जाता है कि भाई चुप रहो। तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, शांति होकर बैठना पड़ता है, करे क्या, यही काम होगा। लच्छू चाहे तो वो सबको पकड़ा दे, लच्छू लच्छू को सब पता है चोर का, वो सब चाहे तो पकड़ा दे, लेकिन वो पकड़ाते नहीं, वो घुमा फिरा के बस हटा देता है, पैसा खा लेता है, उसको सब पता रहती है। सुनवाई कोई होती नहीं, पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते हमारी और हमें डांट के भगा देते हैं, करते ही नहीं, चोरों से मिले रहते हैं वो, सारा काम तो वो लच्छो करवाता, सब पता रहती है, कुछ नहीं सुनवाई होती है हमारी और हमें डांट के भगा जाया जाता है। हाँ एक बात ये बताइए, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, अगर हम पड़ोसी का साथ देने जा रहे हैं तो हमें डांट के गाली गुफ्तारी दे के वहाँ से भगा दिया जाता है कि जाओ यहाँ जुम्मंजला मत खड़ा करो, यहाँ पब्लिक जुड़ जाएगी, यहाँ बदनामी होगी, ये ऐसे करके हमें पुलिस डिपार्टमेंट भगा देता है। सर हम पड़ोसी पड़ोसी है, पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज उसके साथ हुई है, कल हमारे किसी बच्चे के भी साथ हो सकती है दुर्घटना। देखिए 6 साल के एक मासूम बच्चे के साथ जो अपने घर से बाहर निकला बाथरूम करने के लिए, लेकिन उसके साथ जो घटना हुई, ये घटना बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक और मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि ये घटनाएं जो घटती हैं इन घटनाओं के बाद जो बच्चा है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं होती है, और उसके साथ साथ जो परिवार है, परिवार को भी बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो पुलिस है वो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, चाहे कोई चोरी घटना हो या कोई हत्या घटना हो या कोई जो अभी ये घटना घटी है उस घटना को, बात आई कैमरों की तो कैमरे भी जब भी बताए जाते हैं कैमरे हमेशा ख़राब बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई यहाँ पर आला अधिकारी या कोई पुलिस का अधिकारी इनको अभी सांत्वना देने के लिए नहीं आया है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि इनकी मांग यह है कि यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों की CCTV फुटेज निकाली जाए और उसको ढूँढा जाए और उन दरिंदों को पकड़ा भी जाए और उसके साथ साथ जो एक उचित कार्रवाई है वो की जाए। हम इस वक्त खड़े हैं उस घर के बाहर जहाँ पर वो बच्चा जो 6 साल का बच्चा था वो इसी घर में रहता है, अभी वो पूरी की पूरी फैमिली अस्पताल के अंदर है बच्चे को लेकर। बताया ये जा रहा है कि बच्चा यहाँ से जब आया बाहर, ये बाहर का छोटा सा हिस्सा है जो हम दिखाते हैं आपको, कि इधर जब वो आया बाथरूम करने तो यहीं से कोई आदमी उसको लेकर चला गया, अभी कोई पहचानता नहीं है अभी उसको हालांकि, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि बिल्कुल घर के बाहर जब बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो गली के बाहर या सड़कों पर उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, जबकि सरकार बाल बचाओ अभियान पूरा चलाती है और उसमें लाखों रुपया भी खर्च होता है, लेकिन घर के बाहर ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो और कहाँ सुरक्षित होंगे। लगातार इस जखीरे के जो इलाका है इसके अंदर जो घटनाएँ घटती रहती हैं, पिछले 6 महीने पहले भी एक लड़की के साथ घटना घटी और हमारे साथ इनके मम्मी और पापा हैं, क्या घटना घटी थी और कैसे घटी थी?
ये बता शुरू में पहले ये मैं थी, मेरी लड़की मेरे साथ थी, मेरी लड़की मैं खाना बना रही थी, मेरी लड़की मेरे साथ बैठी थी 5 मिनट, मेरी लड़की लड़कों के साथ निकली बाहर, बच्चों के साथ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, उसके साथ बाहर निकली थी और खेलने के लिए, सब बच्चे घर पे आए 5 मिनट, जब घर पे आए तो मैंने पूछा मेरी सहेली कहाँ, कहीं मुझे नहीं पता, जब मैं खोजने लगी कहीं नहीं, यहाँ पर भी आई मैं कई पुलिस वालों से कि मेरी लड़की नहीं मिल रही, तो यहाँ पर कोई नहीं खोजने गया मेरे साथ, खोजवाया नहीं, कहे कि चल जाओ तुम लोग अपन लड़के को खोजो मिल जाएगी, तब हम लोग वहाँ पुलिस थाने गए मोतीनगर, वहाँ पर भी कोई नहीं सुना, हम लोग रोए, इतना रो रहे थे हम लोग अपनी लड़की खोजने के लिए, कोई नहीं सुनवाई हो रही थी मेरी लड़की के लिए, जब सुबह सुबह तक वो कैमरा मैन को मेन कैमरा मैन ने खोला, कहा कि इन्हें कहा खोल दो मेरी लड़की मिल जाएगी, मेरी लड़की कहीं नहीं गई है, पर किसी ने नहीं सुना, मेरी लड़की रात में मिल जाती पर किसी ने नहीं सुना, इनसे बात कर लो। जैसे कि मैं दुकान चिकन की थोड़ी दुकान लगाता हूँ, तो मैंने सुना कि ढूंढते हुए सारे पहुँचे भाई आई, तो बोले कि सहेली आई इधर, तो मैंने कहा यहाँ तो सहेली आती नहीं, जैसे बच्चे कभी आ जाते हैं तो उनके साथ कभी गोदी में ही आ जाती है, फिर तुरंत दुकान छोड़ के भाग के गया घर पे, फिर भागते ही इस पर चिल्लाया कि कहाँ लड़की को छोड़ दिया तूने, उसके बाद जब ढूंढा डानी हुई पूरी रात, हमने ढूंढा डानी करी पूरी रात खोजा, हमें लड़की मिली नहीं, हमने इनसे कह के इधर का कैमरा चेक खुलवाया, उधर का कैमरा, अपने सामने का कैमरा खुलवाया, लड़की घर से जाती हुई नज़र आई और जहाँ से खेल के निकली वहाँ से नज़र आती आई, जब हमने बोला फैक्ट्री वाला कैमरा खुलवा दो, तो उसके कह रहे कि इसकी रिकॉर्डिंग सुबह खुलेगी, किसी ने बात को सीरियस नहीं लिया, उसके बाद हम लोग सर पे हाथ धर के बैठे रह गए कि ढूंढते रहे, हमारी माँ चार बाहर बैठे रह गई चारपाई पे, उसके बाद हम लोग पूरी रात ढूंढते रहे, सुबह हो गई, सुबह होने के बाद जब कैमरा खोला तो वो दरिंदा खंबे के सामने खड़ा था, मेरी लड़की खेल के घर जा रही थी घर, उसके बाद उसने उसको अगवा करके और अंदर गली में ले जाके उसको वहाँ मर्डर करके छुपा रखा था, उसके बाद जब पूरी छानबीन के बाद पता चला, फिर सारे पुलिस वालों ने पूरी कार्रवाई करी, तो उसमें पता चला कि लड़की मिल गई, अब उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद वहाँ गया थाने में जाने के बाद बताया कि इसने तेरी लड़की को मार दिया, फिर वहाँ पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और फिर उसके बाद उस दरिंदे ने 4.5 लाख रुपए भी मांगे थे और उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी कि अगर किसी पुलिस वालों को बताओगे तो मैं लड़की को तुम्हारी जान से मार दूँ, उसके बाद हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसके बाद हम सर पे हाथ रख लिया कि कौन हमारी लड़की का से किडनैप कर लिया, उसके बाद पता चला, थोड़ी देर बाद पता चला कि वो दरिंदा पड़ोस का ही था, उसके बाद जब वो कैमरे में नज़र आया हमारा दिमाग इतना कंफ्यूज था कि हम उसे पहचान भी नहीं पाए, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कौन है कौन नहीं है, उसके बाद जब उसने कॉल किया तो वो जब सिम चोरी की उसी के गांव के सिम चोरी की उसी से फ़ोन की फिरौती मांगी, उसके बाद पता चला कि जब पुलिस वालों ने जब उसको पीटा पाटा जब मेरी लड़की की जब उसी में से जब बॉडी मिली जब उसको पुलिस वालों ने उठाया पूछा ये सब क्यों आया था, कोई नहीं बता रहा था कि ये मेरे लड़की को मार दिया है, पुलिस वाले इसे पकड़ रखे थे, बता नहीं रहे थे कि लड़की तुम्हारी ये मेरी लड़की यही ले गया है, कैमरे में दिख रहा है, पुलिस वाले नहीं बताए, जब मेरी लड़की के बॉडी मार के मिल गया, छज्जे पे रख रखा था थैली में बांध कर, जब मिल गया बाद में दूसरे दिन बताए इसकी इसकी लड़की मार दी है। देखिए घटनाएँ घटती रहती हैं, लेकिन एक आरोप सीधा से ये है कि यहाँ जो पुलिस जो है वो काम करने के अंदर लापरवाही बरतती है, और हो सकता था कि अगर जैसे बता रहे हैं अगर इनकी लड़की को अगर टाइम से खोजा जाता ढूंढा जाता तो हो सकता है उसकी जान बच सकती थी, लेकिन मामला यहाँ पर एक ही है कि यहाँ जो पुलिस लापरवाही से काम करती है और पुलिस की वजह से जो देर होती है देर की वजह से ही सारी घटनाएँ घटती हैं, और जो यहाँ का माहौल है उस माहौल में जो आपराधिक किस्म के जो लोग रहते हैं इनका मानना ये भी है कि वो सब पुलिस को पैसा भी देते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर पुलिस का संरक्षण रहता है। मैं ललित लोधवाल नेशनल न्यूज़ के लिए दिल्ली। सर ये देखो ना।